नमस्कार दोस्तों, यूं तो क्रिकेट से हमारा कोई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नाता नहीं है, बट फिर भी भारत में क्रिकेट को एक त्यौहार की तरह एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बताया जाता है कि क्रिकेट 18वीं सदी में एक सामान्य खेल के रूप में शुरू किया गया था, जो आज भारत का लोकप्रिय गेम में से एक हो गया है। यही वजह है कि भारत में क्रिकेट से जुड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए टीयर 2 और टीयर 3 जैसे शहरों में आज बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जा रहा है। इनफैक्ट विश्व की भी सबसे बड़ी क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है, वो भी भारत में ही सिचुएटेड है। और ऐसे ना जाने कितने स्टेडियम आज भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलिए आइए आज की इस वीडियो में सभी अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि हमारे भारत में आज कहां कहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, आज पूरे भारत में 50 से अधिक इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड हैं, जिसमें 25 तो पूरी तरह से ऑपरेशनल भी है, जबकि आने वाले वक्त में कई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होंगे। तो आइए एक नज़र इस पर गौर करते हैं और देखते हैं भारत में कहां कहां और किन किन परिस्थिति में आज हमारा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। हमेशा की तरह अच्छी जानकारी होगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको बस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड। 30,000 सीटिंग कैपेसिटी के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा वाराणसी का इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड गंजारी विलेज राजा तालाब के पास वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट और फैसिलिटीज के साथ इसे डेवलप किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में भी हो रहा है, जिसे दिसंबर 2025 तक कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। इस परियोजना को यानी कि इस स्टेडियम को 330 करोड़ की लागत से आज L&T BCCI की देखरेख में इसे डेवलप कर रहा है। स्टेडियम कई मायनों में इंपॉर्टेंट है, लाइक इस रीजन में स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बेहतर करने में तो मदद करेगा ही, कांसी की विरासत को इंटरनेशनल मैचेस के दौरान इसको दिखाने की भी कोशिश करेगी। साथ ही साथ इस रीजन में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगी, लोगों में जागरूकता भी होगा। मैं आपको बता दूं, इस स्टेडियम की आधारशिला 23 सितंबर 2023 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री PM मोदी साहब जी ने रखा था, जिसमें सचिन तेंदुलकर से लेकर सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, रोजर बिन्नी जैसे महान क्रिकेटर भी मौजूद थे। और मौजूद भी क्यों ना हो, भारत की सबसे पुरानी विरासत, विश्व की सबसे पुराने शहर कांसी में जो क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला हो रहा था। इस स्टेडियम की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह कांसी शिव की नगरी और घाटों के शहर के रूप में विख्यात है, उसे उसी की डिजाइन से उसी से इंस्पिरेशन के साथ इसकी आर्किटेक्ट को भी तैयार किया गया है। लाइक फ्लड लाइट्स को त्रिशूल के शेप में डिजाइन दिया गया है। स्टेडियम का जो पूरा आकार होगा वो चांद की तरह होगा। सीटिंग अरेंजमेंट की जो चेयर होगी वो कांसी के घाटों की तरह डिजाइन किया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, मीडिया सेंटर्स एक डमरू के शेप में दिखाई देगा और मेटेलिक्स जो सीट्स होगी वो बेल के पत्तों के आकार में होगा, यानी कि तीन बेल पत्ता एक साथ जिस रूप में दिखाई पड़ता है इसी रूप में यहाँ पे मेटेलिक सीट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जो पूरी तरह से भगवान शिव से प्रेरित होकर यानी कि इंस्पायर्ड होकर इसका डिजाइन को तैयार किया गया है। उम्मीद है कि दिसंबर 2025 तक L&T इसे तैयार कर लेगी। तैयार होने के बाद ये उत्तर प्रदेश का 4th इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड भी होगा, जो फिलहाल 30,000 सीटिंग कैपेसिटी तर्ज पर बनवाया जा रहा है, बट बाद में इसी को फेज 2 के अंतर्गत 10,000 सीटिंग कैपेसिटी और बढ़ाया जाएगा, यानी पूरा स्टेडियम 40,000 सीटिंग कैपेसिटी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। जबकि इसमें कुछ साइलेंट फीचर्स है, 9 प्रैक्टिसिंग विकेट्स के साथ एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, एक आउटडोर ग्राउंड, VIP जोन, लॉन्च, पार्किंग, ड्रेसिंग रूम जैसे अन्य एडवांस और नए फीचर्स के साथ इस प्रोजेक्ट को, इस स्टेडियम को डेवलप किया जाएगा। अब देखते हैं वाराणसी का ये क्रिकेट स्टेडियम, जो कि L&T आज गंजारी विलेज में राजा तालाब के पास 30 एकड़ लैंड में विकसित कर रही है, वो कब तक डेवलप हो पाती है। वैसे दिसंबर 2025 इसकी आखिरी डेडलाइन तय कर रखा है। दूसरा, राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट। 45,000 सीटिंग कैपेसिटी के तर्ज पर बनवाया जा रहा है राजगीर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। नीतीश कुमार जी द्वारा 12 अक्टूबर 2018 की इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था, जो आज ऑलमोस्ट 60-70% तक कवर कंप्लीट कर लिया गया। हालांकि प्रोजेक्ट फिलहाल डिले जरूर है, बट धीरे धीरे इससे ही बिहार में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। डेवलपमेंट होने के बाद बिहार की यह दूसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा। पहला मोइनुल हक स्टेडियम, जो काफी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज पटना में मौजूद है, और इसीलिए इस राजगीर क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जा रहा है, जहाँ पे सभी मॉडर्न और हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध होगी। मैं आपको बताता चलूँ, राजगीर का इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड सिडनी ग्राउंड के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जो पूरा 90 एकड़ लैंड में विकसित होगा। इसे बनाने में तकरीबन 633 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जिसमें ना सिर्फ राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाया जाएगा, बल्कि इसी कैंपस में फुटबॉल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम और इसके जैसे 20 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसके भीतर बनवाए जाएंगे, जो सभी नेशनल और इंटरनेशनल मैचों को होस्ट करने के लायक सभी स्टेडियम्स होंगे। ऐसे में देखते हैं राजगीर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम या फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कब तक तैयार हो पाता है। तीसरा, जयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। जयपुर का चौंक विलेज में
बनवाया जा रहा है ये क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम के बाद यह भारत का दूसरा यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम भी होगा, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 75,000 होगी। हालांकि फेज वन के तहत सिर्फ 40,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ इसे डेवलप किया जा रहा है, जिसे डेवलप कर रही है वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा, जो कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ एक कोलैबोरेशन के रूप में 300 करोड़ की लागत से तैयार कर रहा है, क्योंकि इसे वेदांता ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल जी इसको तैयार करवा रहे हैं, और इसीलिए इस स्टेडियम एक प्राइवेट ओन स्टेडियम होगा जिसका नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा, क्योंकि 2024 एंड तक यह भी ओपन हो जाने की खबर है। अब देखते हैं 2024 तक तैयार हो पाती है या फिर डिले होता है। फोर्थ, मैसूर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मैसूर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने पर चर्चा शुरू कर दिया है। इनफैक्ट जमीन भी चिन्हित कर ली गई है, जो बेसिकली सात गली विलेज में बी जोन में सिचुएटेड है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट रोजर बिनी का भी कहना है कि आईपीएल सिर्फ बैंगलोर तक ही सिमट कर नहीं रह जाएगा, और इसीलिए मैसूर में इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज मैसूर में तकरीबन 30 एकड़ लैंड में 70,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ एक स्टेडियम को प्लान किया गया है। यह स्टेडियम चिन्ना स्वामी से दो गुना बड़ा स्टेडियम होगा, क्योंकि चिन्ना स्वामी सिर्फ 35,000 सीटिंग कैपेसिटी की तर्ज पर आज ऑपरेशनल है, जबकि आने वाला मैसूर क्रिकेट स्टेडियम 70,000 सीटिंग कैपेसिटी के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी इंटरनेशनल ग्राउंड होगी। ऐसे में देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट कब इसे अप्रूव करती है। वैसे इसके अलावा आज उदयपुर में, गाजियाबाद में, विशाखापट्टनम में और अभी रिसेंटली तो महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग में आमेने में भी एक नए क्रिकेट स्टेडियम बनाने पर प्लानिंग की जा रही है। ये सभी क्रिकेट स्टेडियम हमारे देश की क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में मदद तो करेगा ही, हम लार्ज स्केल में इसके वजह से रोजगार भी क्रिएट कर पाएंगे। चलिए आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।